तो जी अगले दिन की शुरुआत हो चुका है, शायद एक हफ्ता हो गया अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया और दो तीन मैसेज भी आ रहे हैं कुछ भाई लोग का जो बोल रहे हैं कि भाई वीडियो कब तक आएगा। तो ये चीज़ हमारे चैनल पे नया हो रहा है कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, ज़्यादा नहीं होता था, जो फ्रेंड्स थे वो लोग पूछते थे, लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोग पूछ रहे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। तो भाई चलिए आज का कहानी कुछ शुरू करते हैं इस तरह से। तो मैं घर से 200 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ कहीं घूमने। तो बात कुछ ऐसा है, हम थोड़ा काम से भुवनेश्वर आए हैं, मैं और मेरा एक भाई। यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद हमने सोचा क्यों काम से सिर्फ अगर जा रहे हैं तो दो तीन जगह घूम भी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया घर से कहीं बाहर ही नहीं जा रहे। और भुवनेश्वर भी आ चुका हूँ दो तीन बार, लेकिन हमेशा काम पर आता हूँ, काम ख़त्म होता है चले जाते हैं। तो यहाँ से जल्दी से सारे काम को ख़त्म करके यहाँ से निकलते हैं मार्केट की ओर। आज का जो काम है वो सारे मार्केट के अंदर ही होगा, तो आई थिंक आपको आज थोड़ा ज़्यादा मोटो ब्लॉग दिखने को मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं मार्केट पे। और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। खाने में क्या है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, हमको खाना बनाना पड़ेगा। तो आज हमें खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि दो टाइम तो बाहर खा नहीं सकते, अगर एक टाइम घर पे खाएं तो दूसरा टाइम हम बाहर खा सकते हैं, और दोनों टाइम बाहर जाके खाएं तो एक तो तबीयत भी बिगड़ सकता है, और कोरोना के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, और साथ में घर वापस नहीं जा सकते। कम पैसे में जो हो सकता है वो करने वाले हैं। जो भी सर आवाज आपको सुनाई दे रहा है वो सारे मेरे बाइक के हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले एक ब्लॉग में बताया था, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ओ भाई साहब ये क्या चीज़ है, रेड स्विमिंग पूल। पता नहीं क्यों जहाँ से भी निकलता हूँ वही पे रास्ता खराब मिलता है इतना ज़्यादा। ऐसे तो बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आजकल मूड नहीं है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा बातें करके बोर कर देते हो। क्या है यार, एग्जैक्टली सही है, मैं भी जब वीडियो देखता हूँ, मतलब मेरा अपना खुद का वीडियो जब भी देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बातें कर लेता हूँ, जो कि मुझे एग्जैक्टली करना नहीं चाहिए था। जब आप बोलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो अपना जो गलती है वो पता चलता है, और ऊपर से अच्छा भी लगता है आप लोग देख रहे हो। मानता हूँ कि आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो, मतलब कमेंट कर रहे हो कि हाँ भाई तुम ऐसे बनाओ वीडियो अच्छा लगेगा, ऐसे बनाओ, ये चीज़ सबको नहीं मिलता ना। फिर भी आप लोग तो हमेशा मेरी बातें सुनते आए हैं, तो आज फिर से एक बार सुन लीजिए। और ये है हमारा स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर, कहाँ मैं गांव का ज़िंदगी जी रहा था और यहाँ पे आके ट्रैफिक में फंस गया। ऐसे हमेशा के लिए नहीं है हूँ, दो तीन दिन के लिए आया हूँ। तो कल रात को मैं यहाँ आ गया था, और रात को लंबा सा राइड का वीडियो हो सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि मूड नहीं था। जब से मेरा तबीयत सही हुआ है तब से मेरा मूड जो है कुछ सही नहीं रहता है। एक तो हम लेट है और ऊपर से ट्रैफिक, मुझे ट्रैफिक नया लगेगा क्योंकि यहाँ पे मैं नया हूँ। और गाइस ये देखो आसमान में क्या है यार, काफ़ी दिनों के बाद क्या नज़ारा है। और ये मस्त लग रहा है यार। तो गाइस शाम के 4 बज चुके हैं और मैं आज आपको भुवनेश्वर एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। यार क्या एक्सप्लोर करना पता नहीं यार, क्या करूं, लेकिन बस ऐसे ही घूम रहे हैं और कोई चारा नहीं है। हर जगह ट्रैफिक,
कुछ और मिलता नहीं है। शॉपिंग मॉल ढूंढ रहे हैं, कहीं जाएंगे। जो एक्सप्लानेड वन का शॉपिंग मॉल है वो दूसरे साइड पे रह गया। फाइनली हम वहाँ से चले आए शॉपिंग वॉपिंग करके। तो ऐसे गया था, सोचा था दो तीन शर्ट तो लेके आऊँगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने लिया नहीं है। लेकिन जब गया वहाँ पे कुछ नया मुझे मिला नहीं और बहुत ओवर प्राइस था, तो इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही लिया जो आपने वीडियो में देखा। पहले सोच रहा था नहीं लूँगा, फिर ले लिया, जो भी हो मन किया ले लिया। और अभी हम घर वापस जा रहे हैं क्योंकि कहीं और घूमने की आइडिया नहीं है। अगर आप यहाँ कार के बिना या बाइक के बिना आते हो तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि बाइक का ये पंगा था कि हम जब बाहर से आते तो बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम नहीं होता, रास्ता मालूम नहीं होता। ट्रैफिक के रूल तो पता चल जाते हैं, लेकिन कहाँ ले, कहाँ पे पार्किंग करे, ये सारी चीज़ थोड़ा दिक्कत होता है। वाह क्या सीनरी है यार, देखो यार देखो क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। अगर घर पे होते तो एक टाइम लैप्स तो हो ही जाता, क्या मस्त लग रहा है यार। मैंने देखा नहीं था, अभी देखा, हाँ पता नहीं था, ऐसे लेफ्ट साइड को देख लिया और देखने के बाद ये पता चला कि भाई व्यू क्या मस्त है। अफसोस की बात ये है कि जो शाम है काफ़ी सुंदर सा, उसको मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। बाकी भुवनेश्वर घूम के अच्छा लगा, आप लोग ये बताओ कि आपको कैसा लगा। तो घर पहुंचने का टाइम हो चुका है और वीडियो क्लोज करने का भी टाइम हो चुका है, सो दैट हम वीडियो को जल्द से क्लोज कर लेंगे। मैंने बोला था आपको आज रो वीडियो होगा, और जो सामने आप देख रहे हो वो है ओडी का शोरूम। अगर ज़िंदगी में कभी करोड़पति बन गया, कभी भी बाय मिस्टेकली, तो मैं यहाँ आके आऊँगा, एक लेके जाऊँगा।